It's ready. So this is exactly happening. कि जैसे बर्फ पड़ती है लोग मसूरी आ जाते हैं एंड अलग अलग सिटीज की गाड़ी है. आई प्रिफर कि प्लीज डोंट कम टू मसूरी. अभी हम लोकल लोगों को भी चैन से रहने दो यार, हमें भी अपना एरिया एक्सप्लोर करने दो. अभी तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है अच्छे से जैम वैम लगा हुआ है. ये है गौरव और हे हाय एवरीवन, मैं हूँ निशांत और आप सबका स्वागत है पहाड़ी अंतिम सोल में. और ये न्यू ईयर का मतलब ऑब्वियसली 10 दिन 9 दिन हो चुके हैं और मेरा पहला व्लॉग है न्यू ईयर का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी वो आपको आगे जाके बताता रहूँगा मैं कि क्यों मैं व्लॉग नहीं बना रहा था. और ये है गौरव और मुझे याद है जब मैंने 2021 की शुरुआत की थी तो इसके साथ एक ब्लॉग बनाया था लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का, तो इससे शुरू हुआ था ब्लॉग की शुरुआत हुई थी और ब्लॉग चले नहीं. तो देखते हैं इस भाई इंसान मनुष्य है या फिर लेट्स गो टू धनौल्टी. धनौल्टी जाएगा. ट्रैफिक देख रहे हैं यहाँ पे भी, सब लोगों ने भीड़ जमा करी है यहाँ पे क्योंकि मसूरी में बर्फ़ पड़ी हुई है. हम मसूरी नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली, हम लोग जा रहे हैं मैगी पॉइंट, यही पास में 1 किलोमीटर और है. वहाँ से हम मस्त होकर विंटर लैंड का मज़ा लेंगे. अभी शाम होने वाली है, लगभग 5 बज चुके हैं और तो मैगी वैगी खाएंगे बस, वही सब करेंगे ना गौरव. नहीं धनौल्टी जाएंगे. गेट लॉस्ट दोस्तों. अगर आप लोगों ने मेरे मसूरी वाला व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने ये वाली टोपी जो है पहाड़ी टोपी ये वहाँ से परचेज़ की थी और आज जाकर मैंने ये पहनी है. और सो आज है 9 जनवरी 2022. पता नहीं ये टाइम कितने जल्दी चला गया. फ़िलहाल वो सब छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं फ़िलहाल के लिए. ये कुछ लोकेशन ऐसी वाली, मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ और अच्छा लग रहा है. कोई भी नहीं है आसपास, दूर दूर तक कुछ नहीं है. ये मैगी पॉइंट वाली जगह है मसूरी. जब आप आते हैं देहरादून से होते हुए तो रास्ते में मैगी पॉइंट पड़ता है मसूरी टोल से पहले, तो हम वहाँ पे आए. ऑब्वियसली हमको मसूरी जाना ही नहीं है और इतना रश हो रहा है यार लिटरली. मतलब आई डोंट नो यार, मतलब कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बट स्टिल पीपल प्रिफर टू ट्रैवल. आई डोंट नो ये बर्फ़ कितनों की बर्फ़ निकाल देगी इस बार. होपफुली सब कुछ सही रहे और लोग सेफ रहें, यही हमेशा दुआ करनी चाहिए हमें. और ठीक है बाकी लेट्स सी, कुछ देखते हैं. मैगी वगैरह कुछ अच्छी चीज़ मिले तो हम खाएंगे और विल शो यू कि पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा अलग होता है. और आज मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहला व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने, क्योंकि एनर्जी के साथ चीज़ें शुरू करने का ना अलग ही मज़ा होता है. और उस मज़े को बरकरार करते हुए आगे चलते हैं हम. और ये है यहाँ का व्यू कुछ ऐसा, मतलब नॉट बैड या. ये पूरा जो है ये देहरादून सिटी है. सी यहीं पे हमारा कहीं पे एक कोने में घर होगा जो अभी हमें दिख भी नहीं रहा है. और ये पहाड़ों का मज़ा. और यहाँ पे कुछ नए कैफ़ेज ओपन हो रहे हैं, दून व्यू कैफ़े करके ये प्लेस है दिस वन. एंड यप और दोस्तों बारिश आ रही है. उबला हुआ ही है आपके पास? भुना हुआ भी है. भुना हुआ है ना, भुना हुआ खाना है. हाँ कितने का है भैया? 50 और दोनों. तो ये है मेन मैगी पॉइंट. सो फाइनली हम लोग मैगी पॉइंट पे आ गए. अब मैगी तो खानी बनती है, देखते हैं गौरव क्या लेके आता है. बाकी चाय तो कंपलसरी है, बिना चाय के तो हमारा गुजारा होगा ही नहीं. और थोड़ा सा रश है यहाँ पे हल्का हल्का, फाइन. बाकी व्यू इतना प्यारा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ.
और चाय आ चुकी है. व्हाट इज दिस? क्या ये बंद मस्का? गौरव ने मंगाया है अपने लिए, पर उसकी पहली बाइट मैं खा चुका हूँ. और ये व्यू, एकदम काले बादल छाए हुए हैं और हम चाय का मज़ा ले रहे हैं. क्योंकि मुझे ना न्यू ईयर के व्लॉग की शुरुआत कुछ अच्छी करनी थी, और चाय, पहाड़ और भुट्टा, इन सबसे अच्छी शुरुआत कुछ हो ही नहीं सकती है नो. तो और चाय के मस्त मस्त सो वी आर गोइंग बैक. ये व्लॉग बहुत ही सिंपल व्लॉग था, बस न्यू ईयर में शुरुआत करनी थी व्लॉगिंग का, जो अब जाके हो चुकी है. अब होपफुली मैं वीडियोस डालता रहूँगा जल्दी. और हाँ, मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि आपको पता ही होगा नोरा है मेरे पास, राइट, माय पेट, माय बेबी. तो वो शी वॉज नॉट वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको आईवी फ्लूड चल रहे थे, वो डिप में थी, ग्लूकोज चल रहा था उसको. और न्यू ईयर की शुरुआत मेरी कुछ ऐसे ही हुई थी, तो आई थॉट कि यार, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के सैड सैड मोमेंट्स को कैप्चर करूँ या फिर शो करूँ. आई बिलीव कि मैं जितनी अच्छी वीडियोज़, हैप्पी वीडियोज़ बना सकता हूँ, मैं उतनी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ. मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी जो मेरी लाइफ में और चीज़ें चलती हैं, जैसे कि नोरा की तबीयत ख़राब थी एक हफ्ता, शी वॉज लाइक वो अभी आईवी फ्रूट्स में थी, तो बहुत डिस्टर्बिंग था एक्चुअली. और न्यू ईयर हमारा शुरू ही ऐसा हुआ था, 30th को था, 30th पे उसका शुरू हुआ था आईवी फ्रूट चढ़ना, उसको ग्लूकोज चढ़ना, और उसके बाद 6 तारीख तक चढ़ा है उसको, 5-6 तारीख तक. और इट टेक्स टाइम, नाउ शी इज़ फाइन, टच वुड. सो आप बहुत सारी प्रेयर्स भेजिए कॉमेंट्स में कि वो जल्दी से, अभी और जल्दी से रिकवर हो जाए. शी रिकवर्ड, अभी वो रिकवर कर चुकी है. तो वही सब था. बाकी नोरा का बर्थडे आ रहा है 12th of January को, लेट्स सी. सो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, और अगर आगे कुछ होता है तो आपको दिखाते हैं, अदरवाइज सी यू सून. टेक केयर, बाय बाय. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ पहाड़ी अनसीन. सो राइट, कर दीजिए और मास्क पहन लीजिए.